सुबह के बज के 6 और अपना टाइम हो गया जी फार्म पे जाने का। बच्चे शरारतें करने में लगे हुए, सुबह सुबह इनका मूड अच्छा है, लगता है दूध पी लिए इन्होंने। लगता तो ऐसे कि जैसे दूध पी लिया, पता नहीं पिया कि नहीं पिया। इकट्ठे भी सारे इधर हो गए, हो सकता है पीने की हो। इसे दूध पीना होता है, इन्होंने शोर बड़ा करना। पी लिया दूध के, कोई नहीं पिया है। मिस, अब सुबह सुबह रोने का क्या मकसद है बताओ? बच्चे भी ठीक हैं, सारा कुछ ठीक है, फिर क्यों रो रही हो? डड्डू साहब भी इंजॉय कर रहे हैं। लगता है मानी सुबह सुबह ना घास काटने जा रहे हैं। सिनेश को भी लिफ्ट दे देते हैं। फिर तो थले ला सड़ना चाहिए। चल हूं बह गया, तेन ला जा। ठीक सब करी शेर बैठे। मनु भी अपने नाल कर ले। अच्छा दो ने मैसेज किया था शाम को, सुबह उनके नाश्ते के लिए क्या करना है, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, नहीं तो अब आटा वगैरह तो गूंदी है, तो 8 बजे तक जाऊंगा ना, तो अब नहीं देते। नहीं कहते बेटा आपको चोट लग जाएगी, तो आप ना चला पैदल चले जाओ। नहीं उनको आपकी सलाह तो भी यकीन नहीं है, पता है। मैं कह यहाँ बचपन में गुजर गई मोटरसाइकिल चला चला के, बस अभी 1-5 खड़ी हुई घर पे। तो आप अपने गोडे चेक कराए, गोडे चेक करवाए, गोडे चेक क्यों, उससे क्या होगा? चेक करवाएं गोड़े, अगर आपके गोड़े छिले हुए तो इसका मतलब है कि आप नहीं, नहीं, ड्राइवर नहीं है। परफेक्ट हूं, पर आपकी मोटरसाइकिल ठीक नहीं है, ब्रेक यहां लगाओ तो वहां जाके लगती है ब्रेक। फिर नीचे कर लें, बेहोशी बेहोशी ना कर देंगे। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सुबह सुबह घास पे नंगे पाँव चलने में भी एक बड़ी राहत महसूस होती है। आज क्योंकि इतवार है और हम हैं जनाब घर पे, तो आज ये मूवी देखी हमने, द मंकी किंग, उर्दू डबिंग के साथ। इंतहाई फनी और शानदार मूवी है। जिन लोगों को एनिमेशन मूवीज़ देखने का शौक है, ये लाजमी देखें। दिन के बाद चुकी हैं 3 और अब अपना इरादा बन गया फॉर्म पे जाने का। अच्छा, मैं आज तक कभी जूती पहन के घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन गर्मी जो भी काफ़ी है, तो इसलिए आज शूज़ पहने बगैर ही जूती में चलते। जूते रख दिए स्टैंड पे। हाँ जी, मुंसिल मोटरसाइकिल साइड से कर रही है। अच्छा, दूसरी मूवी देखी थी, उसका नाम था फ्राइडे नाइट प्लान, और इंडियन मूवी थी और बच्चों वाली मूवी थी। अखबार देना जे अखबार। अच्छा, आज संडे है क्योंकि ऑफिस से छुट्टी थी, तो इसलिए ऑफिस तो आने नहीं हुआ। अखबार ले आ दे, तो इसलिए इधर से न्यूज़पेपर लेके फिर ऑफिस फॉर्म पे चल गया। शुक्रिया जी। आज जूती पहन के ड्राइविंग करनी है, तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है।
दफ्तर चलाते हो? व्हाट्सएप किधर फिर दे, बुढ़े हो गए ऐसी रूम में जे मारे आज। अच्छा वो पतला पतला होता है, रुकते ही रुआ डर गया जनता जी बड़ा ना बुढ़े हो गए हो। एक हफ्ता रेडी आया और जल्दी पूरी हो, एक टोटा रह गया। हां बस लम्मा तो थोड़ा दो दिन लो ला जाओ। बच्चे सारे रेस्ट के मूड में, रोने वाली बकरी तो आज बड़ी खामोश खड़ी है। ये याद आ गया रोना था। खबरदार अगर रोने की एक्टिंग की तो। हाँ भाई और शुरू हो गया काम, डिंकी का बने ला दी दीवार का काम भी शुरू हो चुका है। खान ने जनाब आते के अंदर घुसा दिए बेड़े। खान कितनी बेड़े घुसा दी? चंद दाने, गिनती नहीं आता? तीन दाने, गिनती सीख लो, सीखो, बोलो दस नहीं एक दो तीन दो नौ आठ सात छः पाँच उल्टी गिनती सीख लो, काम आएगी। कैसी कैसी बेड़े हैं ये? बेड़ तो शक्ल से बहुत शरीफ औरत लगती है, बुढ़ी है। हाँ इसलिए शरीफ औरत है, मारती मूर्ती तो नहीं? हाँ ये तो बाबा बाबा ब्लैक शीप वाली बेड़, आधी चिट्टी आधी काली। और ये जो है ये कम बहुत छोटे सींगों वाला बकरा, ये टक्कर लाजमी लगाएगा सींग पकड़। वो सामने पहाड़ी बेड़ है ये बकरी, ये तो बच्चा देने वाली है ना। कितने बाल हैं इसके, ये पठान की कुछ बकरियां, कुछ बेड़े, कुछ गाय भैंस हैं। इधर पहले जंतर था, अब जंतर ख़त्म हो गया, अब इधर कुछ भी नहीं रह गया। ये जो भैंस है इसको झूला ले लेता है? नहीं कभी लिया, कोशिश कर। ये देख इतना बड़ा हो गया, ये दूध पी रहा है बूढ़ी माँ का, शर्म नहीं आ रही। इस तरह का होता है ये काटू माल, अक्सर कसाई जो है ना वो ले जाते हैं। ये भी वही काटू माल ही है, लेकिन ये लेली है, ये है काटू लेली, ये है काटू लेला। ये देखिए आइंस्टाइन जो है वो रैबिट फार्म से घास कितना ज़्यादा काट के ले गया। और ये देखिए बुला भी आ गई, काट रहे हैं। हाँ तो ये आइंस्टाइन है, इतना सारा घास लेके निकल गए, रोज घास काटने आता है। अभी आए सब सुबह, वो पठानिया भी आई थी, वो इतना ज़्यादा घास है जो भी आता है उसे काटने दे। नहीं मैंने सबको दावत दे दी है ना। जंगल ही काम हो गया, कद्दू आज भी ठीक है जिंदा, यानी कि आज भी कद्दू फिलहाल तक। कहते आपने नाश्ता यहीं से पकड़ा दे और चले जाए, मैं कहा मेरे भाभी मकड़ा यहाँ पे एक वो भाग गया। इधर तो बहुत ज़्यादा मच्छर आ गया, कपड़े भी ऐसे पहने हैं बड़ा मच्छर लड़ने लग पड़ा, इसलिए इधर से तो भाग ही जाने में जाने में बेहतर। खान ने भी वापसी का जो है ना वो सफ़र शुरू कर दिया। ये जो इसकी भेड़ है ना ये बड़ी प्यारी है, ठीक है ना, कैसा टांग काली मुँह काला सवेर। मच्छर के सताए हुए हम तो पहुंच गए घर, गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, दुश्मनों के सताए हुए हैं, जितने भी जख्म हैं मेरे बाजुओं पे मच्छरों के लगाए हुए हैं। बट साहब फिर काफ़ी सारी सब्जियाँ आज रख गई हैं, सब्जियाँ बस तकरीबन अंडी हो गया, इतना घास आ गया कि अब तो सब्जी उसमें से ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम हो गया। ये आ गई जी सारी सब्जी ये
काफी सारी है, ना ना करते भी काफी सारी हो जाती है। ये देखिए जी, घर में चार तैयार हो रहे हैं। सरसों का तेल डालने का मरला इसमें आ गया, चंद दिन तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। खाने में जनाब बकरे का गोश्त और करेले, कैसा कढ़ाई बन रही है, करेला गोश्त कढ़ाई। इतना मोटा कीड़ा उल्ट गया है, अब इसे सीधा करते हैं, चकना काट लिया इसे। फिर उल्ट गया, अफान ने कहा था जी उसे डेयरी मिल्क चाहिए, तो उसके लिए ये आ गई और अब उसे देते हैं सरप्राइज। थैंक यू, थैंक यू कोई नहीं करना, गुड नाइट।